हेलो गाइस राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है मैं हूं योगेश रूटवाल राजस्थान की भूगोल में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान जिसमें अपन ने बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बेंगोल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा अब जो दूसरे प्रवाह दूसरे प्रकार का अपवाह तंत्र है जो ड्रेनेज सिस्टम है वो है आपका आंतरिक प्रकार का इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में कुछ नदियां इस प्रकार की हैं जिनका उद्गम राजस्थान में होता है और जो जू, चूंकि आपको सबको पता है यहाँ पे जो तो सोइल है वो रेतीली मिट्टी है उसकी वजह से वो जो प्रवाह है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है नदी का जो नियमित प्रवाह है जो बेसिन है वो समुद्र तक सी तक नहीं पहुंच पाएगा वो राजस्थान की मुख्य भूमि में ही सीमित होकर रह जाएगा इसलिए इस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम को कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या आंतरिक प्रवाह तंत्र जैसा कि आप ये नदी में देख रहे हैं ये एक प्रकार का प्रवाह तंत्र है ड्रेनेज सिस्टम है नदी एक प्रकार से प्रवाहित हो रही है चलिए शुरुआत करते हैं आंतरिक प्रवाह की उसमें सबसे पहला आपका नाम आता है किसका घग्गर नदी का घग्गर नदी का इस घग्गर नदी के जो बेसिन तंत्र है उसको अपन नाली क्षेत्र भी बोलते हैं नाली क्षेत्र या फिर इस नदी को मृत नदी भी कहते हैं क्यों कहते हैं इस नदी को वो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले बात आती है कि इसका जो ओरिजिन है इस नदी का जो ओरिजिन है वो है आपका शिवालिक हिमालय तो हिमालय का सबसे सदर्न मोस्ट वाला पार्ट है ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय और जो सबसे नीचा और सदर्न मोस्ट है दक्षिणतम है वो है आपका शिवालिक अब शिवालिक की पहाड़ियों में शिवालिक हिमालय में ही हिमाचल प्रदेश में एक जगह है या फिर एक पहाड़ी है छोटी कालका पहाड़ कालका का पहाड़ से इसका ओरिजिन होता है मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ मान लो ये शिवालिक हिमालय है यहाँ काल का पहाड़ से इसका प्रवाह हुआ किसका घगर नदी का राजस्थान में इस प्रकार से ये नदी प्रवाहित होगी और प्रवेश करेगी इस प्रकार से और ये पाकिस्तान में निकल जगाए निकल जाएगी आगे की तरफ चली जाएगी ये एक मैंने इसका एग्जाम्पल के लिए प्रवाह बताया है तो इसका जो ओरिजिन है वो है आपका कालका पहाड़ शिवालिक हिमालय में इस जगह पे अब जब नदी का सामान्य प्रवाह होता है जब नदी प्रवाहित होती है तो कालका पहाड़ से भटनेर हनुमानगढ़ तक अब ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये हनुमानगढ़ है और ये श्रीगंगानगर है तो इसका पानी आएगा तो लगभग लगभग यहाँ पे ये भटनेर का जो किलाबी है हनुमानगढ़ में भटनेर नामक जगह तक इसका प्रवाह होगा जब नदी में बाढ़ आएगी या फिर थोड़ा पानी ज्यादा प्रवाहित होगा ज्यादा एक्सेस फ्लो होगा तो बाढ़ के आने से ये नदी क्या होगा श्री हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर गंगानगर से ये प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवाहित होगी और पाकिस्तान में एक जगह है फोर्ट अब्बास या अब्बास का किला पाकिस्तान में वहां पे जाके ये नदी आपकी समाप्त हो, हो जाती है खत्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो जिस बेसिन से जिस जगह से एरिया से ये नदी प्रभावित होती है वो अपन सबको पता है थार का मरुस्थल है तो कितना भी पानी आएगा तो वो उस मिट्टी को सौंख लेता है जो मिट्टी होती है उस पानी को सौंख लेती है इसलिए इसका जो अंत है इस नदी का वो हो जाता है आपका फोर्ट अब्बास या अब्बास का किला पाकिस्तान में अब उस पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इस नदी को दूसरी नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आपका हकारा हकारा याद रखना आपको पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है वो है आपका हकारा इसका प्रभाव को अब एक बात कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्पल में और पी में और सबोर्डिनेट बोर्ड है राजस्थान को उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसका प्रवेश बिंदु कहाँ है कहां से ये ये वाला जो बिंदु है, है, है टिब्बी एक जगह है एक और खास बात कालीबंगा और पीली बंगा जो सभ्यताएं हैं वो घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र में ही पनपी है तो सिविलाइजेशन है वो वहीं पे विकसित हुई थी उसके साक्ष्य मिलते हैं अपने को अगला पॉइंट है अपन इस नदी को घग्गर नदी को वैदिक कालीन जो सरस्वती है उसका अवशेष माना जाता है उसी का अवशेष है तो सरस्वती नदी गंगा यमुना और सरस्वती जिसका अपन वैदिक कालीन में जिसका नाम आता है उसी का अवशेष है कौन सी घग्गर नदी अब जब जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया इस नदी को नाली या फिर मृत नदी क्यों क्योंकि ये नदी यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ और राजस्थान से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में जाके इसका खत्म हो गया अंत हो गया तो ये मृत नदी मतलब डेड रिवर हो गई या फिर नाली प्रवाह नाली बेसिन अब ये जो रीजन है गंगानगर गा हनुमानगढ़ का इसको बोलते हैं नाली क्षेत्र नाली क्षेत्र इसीलिए कि इस नदी में पानी की कमी होने के कारण एक नाली जैसे प्रवाहित होती है इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं नाली बेसिन या फिर मृत नदी आगे बढ़ते हैं दूसरी नदी है आपकी कांतली नदी कांतली रिवर अब कांतली नदी कहां है यह अपन सबको पता है कि इस नदी को शेखावाटी की गंगा भी कहा जाता है तो ओबेसी बात है इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है जो बेसिन होगा वो शेखावाटी क्षेत्र में होगा अब इसका उद्गम कहां ओरिजिन खंडेला की पहाड़ी सीकर में सीकर में खंडेला की पहाड़ियां हैं वहां से उसका उद्गम होएगा और प्रवाह कहाँ तक जाएगा कहां तक ये नदी प्रवाहित होने के बाद में समाप्त हो जाती है वो है आपका खंडेला पहाड़ी से मंडेला गांव अब सीकर से स्टार्ट हुई और झुनझुनू में मंडेला गांव पे जाके इसका अंत हो गया खत्म हो गई अब इसको तोरावाटी बेसिन भी कहा जाता है जो गंगातली नदी है वो जो प्रवाहित होती है जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो उसको अपन बेसिन बोला था अपन ने अब इसलिए इस बेसिन को कांतली नदी से प्रवाहित बेसिन को कहा जाता है क्या तोरावाटी तोरावाटी बेसिन आपने दो सिविलाइजेशन का नाम और सुना होगा गणेश्वर और सुनारी गणेश्वर और सुनारी सभ्यताए गणेश्वर है और सुनारी सभ्यताएं हैं ये सभ्यताएं इसी के बेसिन में कांतली नदी बेसिन में ही इसके मिलते, मिलते गणेश्वर और सुनारी सभ्यताओं के और इस नदी को शेखावाटी की गंगा की उपमा इसलिए दी गई है कि वहां के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है सिंचाई के लिए और अन्य कामों के लिए किसका कांतली नदी का आपके तीसरे नंबर पे आंतरिक प्रवाह की अगली नदी है बाणगंगा नदी अब बाणगंगा नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र आपने देखा होगा बाणगंगा जो नदी है उसका ओरिजिन होता है बैराट की पहाड़ियां जो बैराट का क्षेत्र है वो जयपुर में पड़ता है जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियां हैं वहां से इसका ओरिजिन हुआ और जब इसका प्रवाह होगा बाढ़ आने पर अब क्या होगा कि आंतरिक प्रवाह की है इनलैंड इनलैंड ड्रेनेज की जब रिवर है जब इसका जो नॉर्मल प्रवाह होगा तो ये जयपुर से प्रवाहित होने के बाद में जब बाढ़ आएगी इस नदी में जयपुर में नॉर्मल प्रवाह है लेकिन जब बाढ़ आएगी इस नदी में तो इसका प्रवाह हो जाता है कहाँ पे फतेहपुर सीकरी आगरा के पास वहां पे जाके इस नदी का अंत हो जाता है जब फ्लड आती है इस नदी में अब इस नदी को एक नाम से और जाना जाता है सिरकटी हुई या फिर रुंडित नदी आपने कई बार नाम सुना होगा रुंडित या फिर बीहेडेड बी हेडेड इन सब का एक ही मीनिंग है रुंडी मतलब कि बी हेडेड अगर किसी का गला कटा हुआ हो कि भाई गर्दन कटी हुई है बी मतलब कि उसका सिर कटा हुआ है क्योंकि इस नदी का जो नियमित रूप से यह यमुना नदी में नहीं मिलती है समुद्र में नहीं मिलती है इसलिए कहते हैं कि भाई इसका सिर कटा हुआ है बी हेडेड रिवर है कौन सी नदी को कहा जाता है बाणगंगा नदी को अगला पॉइंट यह है कि महाभारत कालीन नदी इस नदी को संज्ञा दी गई है अर्जुन की गंगा या फिर पंचवैदिक नदी अपन पूछे तो किसको कहा जाएगा बान गंगा नदी को इसी नदी पर आपका जमवा रामगढ़ बांध जमवा रामगढ़ बांध है वो आपकी बानगंगा नदी पर ही स्थित है आगे बढ़ते हैं चार नंबर पे जो नदी आएगी आपकी साबी नदी है वो छोटी नदी है फिर पांचवें नंबर पे आते हैं आपकी काकने या फिर काकनी नदी एक ही बात है अब जो साबी नदी है उसका प्रवाह है अलवर और जयपुर में ठीक है और जब प्रवाहित होती है जब आगे तक जाती है तो वो पटोदी गुड़गांव इन सभी नदियों को एक बार अपन ब्लैंक मैप है राजस्थान का फिजिकल मैप उसमें अपन ड्रॉ भी करेंगे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो साबी जो नदी है उसका जो उद्गम हुआ वो कहा हुआ जयपुर में सेबर की पहाड़ियां जयपुर में उसका उद्गम हुआ मान लो जयपुर में इसका उद्गम हुआ और अलवर में प्रवाहित होती हुई पटोदी तक पटोदी हरियाणा तक इसका अंत हो जाता है किसका साबी नदी का अभी देखेंगे तो इसमें बहुत सालों से इसमें पानी का प्रवाह हुआ भी नहीं है और ये प्रकार से मृत नदी भी हो गई सूखी नदी हो गई आपकी इसमें आखिरी नदी है काकने या फिर काकनी नदी यह काफी इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन बनता है इसका जो ओरिजिन है जो उद्गम है किसका काकने नदी का वो है कोठारी गाँ। कोठारी गाँ आपका कोठारी गांव कोठारी गांव पड़ता है आपका जैसलमेर में अब जैसलमेर थार डेजर्ट का प्रमुख जिला है तो अब उसमें इस जिले में इसकी उत्पत्ति होगी तो इसका फ्लो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा अब ये जल जब इसमें फ्लड आएगा जल प्रवाह जब आगे तक पहुंचता है जब इसमें जब पानी का फ्लो होने लगता है तो इस नदी को कहा जाता है मसूरदी नदी कई बार पूछा गया है कि मसूरदी नदी जब पानी आएगा किसी नदी में जिस नदी में पानी आएगा तो उसको काकने नदी को किस नाम से जाना जाता है तो वो है आपका मसूरदी नदी अब ये जो पानी होगा वो बारिश का पानी रहेगा और जिस बेसिन में ये प्रवाहित होगी तो अब पानी खत्म होने के बाद वो पानी भरा रह जाएगा एक झील का निर्माण करता है तो आपने सुना होगा बुज झील बुज मतलब कि एक बुझा हुआ या खत्म झील लेकिन कुछ टाइम के लिए टेंपरेरी टाइप की एक लेक्स बन जाएंगी झील बन जाएंगी जिनको कहा गया है बुज झील का निर्माण कौन करती है आपकी काकनिया नदी कई बार पूछा गया है बुज झील का निर्माण कौन करती है आपकी काकने नदी, का नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये राजस्थान का एक फिजिकल मैप है जिसमें अपन पांच नदियों के बारे में अपन पढ़े कौन सी एक तो थी आपकी घग्गर नदी अब घग्गर नदी को अपन ड्रॉ करते हैं इसमें कि माना कि अपन ने शिवालिक जो हिमालय है मान लो नॉर्दर्न पार्ट में रहेगा आपका शिवालिक हिमालय कालका पहाड़ से तब शिवालिक हिमालय में ये नदी प्रवाहित होती हुई टिब्बी नामक जगह पे ये राजस्थान में इसका प्रवेश हो गया टिब्बी नामक जगह पे फिर हनुमानगढ़ में फिर श्रीगंगानगर में फिर ये प्रवाहित हो गई होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है तो इस प्रकार से घग्गर नदी का इस प्रकार से घग्गर नदी का बेसिन हो गया कौन सा ये वाला अब जब ये नदी पाकिस्तान में जाएगी तो अपन ने बात की थी इसको जाना जाएगा हकारा नाम से हकारा नाम से और ये इसका प्रवाह हो गया घगर नदी का कहां पे कालका पहाड़ से कालका पहाड़ से इस प्रकार से प्रभावित होती हुई पाकिस्तान में जाने के बाद फोर्ट अब्बास यह नदी खत्म हो जाएगी दूसरी नदी की अपन ने बात की थी जैसलमेर में कोठारी गांव से काकने नदी ये जैसलमेर हो गया आपका। तो यहाँ पे रिवर थी कौन सी आपकी काकनी या फिर काकने जो आपका बुज झील का निर्माण करती थी एक, एक नदी है आपकी साबी नदी जो यहाँ पे बैराट की पहाड़ियों से निकलेगी और अलवर में प्रवाहित होती हुई यहाँ पे पटोदी तक साबी नदी दूसरी नदी जो जयपुर में ही जिसका ओरिजिन था वो थी आपकी कौन सी बाणगंगा नदी और पांचवी नदी थी आपकी कौन सी सीकर में जिसका उद्गम हुआ खंडेला की पहाड़ियों से और मंडेला गांव झुंझुनू तक जो तो प्रभावित होगी वो नदी हो गई आपकी कौन सी कांतली नदी तो राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह है इनलैंड ड्रेनेज है उसकी ये पांच नदियां प्रमुख नदियां हैं इनलैंड ड्रेनेज से जो क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पांच नदियों से बनेगा उसको घुमा फिरा के पूछ लेंगे भाई इसका ओरिजिन कहाँ पे है इसके प्रवाह को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है जैसे कि हकारा नाम से इसका हेडेड नदी किसको कहा जाता है बाणगंगा नदी को साबी नदी है वो भी आपकी पटोदी गुड़गांव तक प्रवाहित होती है कांतली नदी है उस पर कौन कौन सी सभ्यताओं का जन्म हुआ वो हो गया आपका सुनारी और गणेश्वर का काकने नदी बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है आपका काकनेर नदी करती है तो इस प्रकार से इसमें मल्टीपल तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और पांच ये रिवर्स हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इनलैंड ड्रेनेज है वो समाप्त होता है अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं प्रमुख नदियां हैं उनका फ्लो भी देखेंगे अब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच